आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2 फरवरी 2020, ठीक है, अभी अपना CDS का पेपर हुआ था। 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ लॉग वाले भी आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। और मैंने पूरा पेपर देख लिया है, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों से अटकेंगे, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। बस मैं पूरा पेपर करा नहीं रहा, मैं पूरा पेपर कराने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। और पूरा पेपर ये लगा के चलो कि काफ़ी चीज़ें तो बिल्कुल देखते ही करने वाली हैं। SSC के जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस तो देख के ही कर लेंगे, तो जो अटकेंगे वाले क्वेश्चंस कराने का मेरा टारगेट है, तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, और जो ऐसा नहीं है कि आप सबसे अटकेंगे, आप कर लोगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन जो CDS में 2 फरवरी वाले पेपर में आए वो करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो इसने बोला कि लेट XYZ एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और एक S नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर इस तरीके से, मान लो जैसे XYZ है, तो 3 डिजिट का नंबर का मतलब क्या है कि भैया Z प्लस 10Y प्लस 100X, इस तरीके से नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ, तो S के अंदर इन तीनों को प्लस कर रहा है, ठीक है, अलग अलग डिजिट्स को चेंज कर रहा है, यानी कि एक तो यही हो गया, एक में आपका Y आ गया और यहाँ पे 10Z आ गया और ये X आ गया, और तीसरे वाले में 100Z आ गया, और उसके बाद क्या करा अपन ने, X है तो 10X आ गया और यहाँ पे Y आ गया। तो आप एक चीज देखो, अब इसने बोला कि 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1, 2 और 3, तीनों में से कौन सा ट्रू है। अगर हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहली बात तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते ही क्विट कर देंगे, और कुछ लोग करेंगे, कुछ नंबर मानेंगे, लेट करेंगे, ऐसा लेट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर करो। आपने बोला S के अंदर एक तरह से क्या है, देखो X वाला कितना है, 100 येरा 1 येरा और 10, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 111 X के हैं, 111 Y का है और 111 ही Z का है। तो अगर मैं 111 कॉमन ले लूँ तो X प्लस Y प्लस Z इस तरीके से फॉर्मेट है नंबर का S के अंदर। अब पहली लाइन इसने बोला कि X इज डिविजिबल बाय 3 एंड X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z से डिविजिबल है, दिख रहा है साफ, और 3 से भी, क्योंकि 111 जो होता है वो 37 × 3 होता है, ठीक है, तो 3 से भी डिविजिबल है, यस, पहले वाली ट्रू है। दूसरे वाली 9 से फॉल्स है, तीसरे वाली 37 ट्रू है, यानी ऑप्शन D 1 और 3 वाला ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि आजकल ये डिविजिबिलिटी पे दे रहे हैं, उसमें भी क्या नाम है आपका, अरे हटाओ ये क्या रहा है, हाँ अपना SSC में TCS डाल रहे हैं, तो इसलिए ये अपन ने डाल दिया। नेक्स्ट, अब इसने बोला, अब ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसने बोला इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, जो नंबर है वो इस फॉर्म में है कि भैया 10^(n-1), ये नंबर है और सम ऑफ द डिजिट दे रखा है, वो दे रखा है 3798, सम ऑफ द डिजिट है 3798 और ये नंबर है, मतलब अगर नंबर की बात करें तो ये है और n एक नेचुरल नंबर है, तो इसने बोला n की वैल्यू क्या हो गई। देखो इसको ना पहले समझाता हूं, वरना मैं तो सीधा ही आपको बोल देता कि 9 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। समझाने का मतलब ये है कि जो नंबर है वो इस फॉर्म में है, 10^(n-1), मैं मान लेता हूँ, मान लो 99 नंबर हो सकता है अगर n2 ले लूंगा तो, ठीक है, और 999 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आपने बोला 99 अगर है तो डिजिट सम कितना आता, 18, 999 तो डिजिट सम कितना आता, 27, 4×9 है तो डिजिट सम कितना आता, 36। अब मुझे तो n पे पहुंचना है, इसमें n3 है, इसमें n4 है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, जो डिजिट सम है अगर आप 9 से डिवाइड कर देते हो, यानी कि 2, 9 से डिवाइड कर देता हूँ 3, 9 से डिवाइड कर देता हूँ 4, तो आपको n मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3798 को 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे n मिल जाएगा, 4 और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे फिर से बचा 422 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, एक नंबर है किस फॉर्म में, 3×(x) प्लस 3×(x+1) प्लस 3×(x+2), इसका लार्जेस्ट डिवाइजर क्या होगा। काफी लोग इसमें गलत करेंगे, एक्स नेचुरल नंबर वाली लाइन मिस कर देंगे अगर, ठीक है। अब मैंने बोला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रीराइट कर देता हूँ, 3×x लिख देता हूँ,
इसको 3 की पावर x और इनटू 3 की पावर 1 है, इसको 3 की पावर x और इनटू 3 की पावर 2 कर दो, 3 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 यानी कि 9, तो बचा ये तो 13 आ गया, 13 इंटू 3 की पावर x, तो सिंपल सी बात है अब x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, यानी मिनिमम, काफी लोग 13 मार्क करेंगे जो कि गलत है, क्योंकि मिनिमम x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो 39 आपका आंसर है, ठीक है, लार्जेस्ट अगर हम बात करें। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स की पावर रूट एक्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स की पावर एक्स बाय एन लिख देता हूं, क्योंकि ये रूट में एन है यानी वन बाय एन हो जाएगा, तो अगर एक्स की पावर एक्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर एक्स बाय एन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देते हैं, यानी कि रूट एक्स बराबर एक्स बाय एन लिख देता हूं, एन बराबर एक्स बाय रूट एक्स लिख दो अब, या फिर इसको दोबारा लिख दो कि एन बराबर रूट एक्स, आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो एन स्क्वायर बराबर एक्स, यानी कि वन से लेके एन स्क्वायर, ऑप्शन ए, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको सर्ट्स आते हैं, पावर एंड सर्ट्स आते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो, यानी कि मैंने पहले देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, कि अगर बेस, देखो पहले तो इसको लिखना आना चाहिए राइट हैंड साइड को, जैसे मैंने लिखा कि अगर a की पावर m है और इधर n लिखा हुआ है तो a m n लिख देते हैं, या फिर अगर मैं बोलूं a की पावर m है और 1 बाय n है तो भी तो a की पावर m बाय n हो जाएगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कुछ नहीं करा, इधर n को उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, और x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स कर दिया, खत्म। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक लगा मुझे, आ सकता है। इसने बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड्स, साइड दे रखी है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, एरिया निकालना है, साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला जानता हूँ क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि अगर आप सेमी पैरामीटर निकाल लेते हो, तीन साइड है ए बी और सी, तो ऐसा आता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, और जो एरिया आता है वो आता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले अगर पैरामीटर निकालता हूँ, सेमी पैरामीटर निकालो आप, तो आपने देखा वाई बाय जेड इसमें भी है, वाई बाय जेड इसमें भी है, जेड बाय एक्स, मतलब सब चीज़ें डबल है। और जब मैं इसको, ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है, इन दोनों को प्लस करूंगा तीनों को और डिवाइड बाय टू करूंगा, तो मेरे को एस तो यही मिल जाएगा ना, वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई, यही मिलेगा। अब आप देखो अगर आप एरिया निकालोगे तो एस तो होगा ही होगा, एस लिख देता हूँ, एस माइनस ए करोगे तो सिर्फ दो चीजें कट जाएंगी, एक चीज बचेगी, फिर दो चीजें कट जाएंगी, एक चीज बचेगी, फिर दो चीजें कट जाएंगी, एक चीज बचेगी। तो अगर मैं बोलूं कि लास्ट में सिर्फ यही बचेगा, देखो एस तो रहेगा ही रहेगा और ये बचेगा क्या, वाई बाय जेड बच जाएगा किसी एक में, किसी एक में जेड बाय एक्स बच जाएगा और किसी एक में एक्स वाई वाई बच जाएगा, तो ये कट नहीं जाएगा सारा, क्योंकि वाई से वाई कट गया, जेड से जेड जेड, तो अंडर रूट एस ही तो आंसर आएगा, और अंडर रूट एस मैंने क्या माना हुआ था, एस मेरा क्या निकला था, लिख देता हूं इसको मैं x बाय वाई, यानी कि ऑप्शन सी आंसर था, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, वैल्यू लेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यार अगर आप, आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स आती है ना, तो आप वैल्यू लेट वगैरह ये सब चीजें नहीं करते, वो तब करते हो जब आपको सारे ऑप्शन ऐसे दिख रहे हो, चलो कि बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा कि सारे ही वैल्यूज हैं, तो वैल्यू लेट कर लो, लेकिन इस टाइप में अगर आप वैल्यू लेट करके भी पुट करते हो तो इन चार ऑप्शन में डालना पड़ेगा, पहले ऊपर डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, तो वो आपका स्मार्ट मूव नहीं हुआ, वो आपका बेवकूफी वाला मूड हुआ, जो आपका स्टेप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसने बोला अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600। यार 5 की पावर मेरे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, 5 की पावर से मेरे को 600 बनाना है, तो अगर 625 माइनस 25 कर पाओ, जो कि चेक कर लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो ये 625 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, यानी x की पावर 3 पे सेट हो गया। अब 10 की पावर 2x वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर डी आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई लोग वैल्यू से करेंगे, पता नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि ना आप 0 पुट कर सकते, ना 45 पुट कर सकते, ना 90 पुट कर सकते,
30 या 60 पुट करोगे तो फिर उतना ही लेंथी जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आप लोगों को पता होगा, और जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता है कि इसके ऊपर मैंने कम से कम 2 से 2.5 घंटे इसी चीज़ पे बर्बाद किए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती है इस टाइप की चीज़, और इसके आउटपुट भी कम से कम 10-15 है, ठीक है। तो आप देखो, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने बोला अगर मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, 10 थीटा और -1 प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा और +1 माइनस sec थीटा, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे 10 थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 10 थीटा प्लस sec थीटा है और यहाँ पे 10 थीटा माइनस sec थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 थीटा प्लस sec थीटा 10 थीटा माइनस sec थीटा करता हूँ तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, a + b a - b इधर लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो 10 square theta माइनस sec square theta, ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ मैं, ओके। और आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे माइनस में बचेगा 10 थीटा माइनस sec थीटा, मैंने इसको एक स्टेप खा गया हूँ मैं, और सीधा आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपसे हो जाएगा, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो यही आएगा घूम के, क्योंकि 10 थीटा माइनस sec थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे 1 से, और ये a + b a - b मैंने कर दिया, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप देखो a² - b b² और यहाँ पे a, मैं अगर 10 थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, अगर आप ये कॉमन ले लेते हो, या फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो, इसको कॉमन मत लो, अगर मैं सीधा देखूं 10² थीटा माइनस sec² थीटा होता क्या है, 10² थीटा माइनस sec² थीटा क्या होता है, देखो एक मिनट, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है ना, तो 10² थीटा माइनस sec² थीटा -1 हो जाएगा, यानी अगर मैं न्यूमरेटर में से -1 कॉमन ले लूं तो जो ऊपर बचेगा ना, क्या बचेगा, जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपका, 10 थीटा + 1 माइनस sec थीटा, यही बचेगा ऊपर नीचे, तो इसको मैं काट दूंगा, सिर्फ इतना बचा, आंसर मेरा आया -1/10 थीटा माइनस sec थीटा, या फिर आप सीधा लिखो 1/sec θ माइनस 10 θ, ठीक है, एक ही बात है अगर इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो, और इसको आप, मैं अगर रीराइट करूंगा तो 1 - 1/sec θ माइनस 10 θ को आप ऐसे लिख सकते हो sec θ + 10 θ, और इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो sec θ का हो जाएगा 1/cos θ और 10 θ को हो जाएगा sin θ / cos θ, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आ जाएगी 1 + sin θ / cos θ। तो मैंने सिर्फ ये एक ब्रैकेट सॉल्व करी है, काफी लोगों को सीधा ये आउटपुट याद होता है, बहुत सारे लोगों को आउटपुट याद होगा, बहुत सारे का मतलब है जो भी सीरियस है SSC को लेकर, तो इस पूरे से ये वाला कट गया, यानी कि आंसर 0 है, ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन ये भी, अब इसने ये वाला तो मैंने करा दिया यार, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करो, ये भी बहुत आसान है, ये देखो साइंस, ये भी फेमस क्वेश्चन है, 12 18 84 90, ये देखो अगर यहाँ पे 6 है और 84, मैं एक तरह से ये देख रहा हूँ कि मेरी 6 12 18 और 84 तक की सीरीज है, और 90 वाला तो 1 है ही, 1 तो है ही, 1 प्लस ये वाला सॉल्व कर देता हूँ मैं। अब आप देखिए, अगर साइन स्क्वायर 6 और इसको भी अगर मैं कॉस स्क्वायर 6 लिख दूंगा तो ये मेरा दोनों मिला के 1 दे देगा। अगर मैं सिर्फ टर्म्स गिन दूं कितनी है 6 से 84 तक, तो आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1, ठीक है, 78 बन जाएगा, ये 6 से काटोगे 13, यानी 14 टर्म है टोटल, 14 टर्म है, यानी 1 2 ऐसे करके 14 टर्म का मतलब है कि 1 sin² θ और cos² θ, मतलब अगर मैं 14 को ब्रेक करूं तो 7 sin² θ की बना दूंगा और 7 cos² θ की, यानी sin² θ + cos² θ 1 आता है तो 7 देगा ये, यानी कि 7 + 1 यानी 8 आंसर है। हल्के ऑप्शन बना रखे थे, ऑप्शन वैसे देख के वैसे कर देना चाहिए था। अब इसने बोला कि x² - 1 अगर फैक्टर है इसका, x² - 1 का मतलब है x² - 1² अगर मैं लिखता हूँ, x - 1 और x + 1 दोनों फैक्टर हैं, ठीक है, इसके दोनों के दोनों फैक्टर हैं, तो वैल्यू पुट करो, आपको इक्वल्स टू में इधर चाहिए, तो मैं x की वैल्यू -1 पे चेक करूंगा, यहां से आएगी, ठीक है,
आप इनपुट करो तो ये ए आ गया, ये माइनस बी आ गया, और फिर सी आ गया, ये माइनस डी आ गया, प्लस ई आ गया बराबर 0। ए प्लस सी प्लस ई एज इट इज रहने दो, बी प्लस डी उधर भेज दो, यानी कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुको, टेढ़ा हो रखा है ये। हाँ ऐसे लिख देते हैं, कर देते हैं, चिपका रखा है ना। हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो अब आप देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल से ऑप्शन देखो, ऑप्शन इस टाइप के हैं। तो मैं अगर सिंपली क्या हो गया, हाँ अगर मैं सिंपली ऑप्शन देख रहा हूँ सारे इंटीजर हैं, तो मैं अगर 0 पुट कर देता हूँ तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये 0, थीटा 0 पुट कर दो तो ये आपका यहाँ पे 1/1 + 4 यानी कि 5 आंसर खत्म। ठीक है, ये 10-12 क्वेश्चन थे, कुछ 10 के आसपास क्वेश्चन थे, ये मेरे को अच्छे लगे। बाकी सारा पूरा पेपर आप देख लेना, सारा आसान पेपर है। और ये मेरा नंबर है 7982155093। मुखर्जी नगर में हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, आप लोगों को पता होगा, अगर आपको कोई इंटरेस्टेड हो, अगर आपको कुछ पढ़ना हो सीखना हो ऑफलाइन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड।